दरभंगा जिला में रमजानुल मुबारक महीना के तीसरे जुमा की नमाज में शुक्रवार को विभिन्न मस्जिदों में नमाजियों की उमड़ी भीड़। वही जुमे की नमाज अदा करने के बाद नमाजियों ने देश और दुनिया में अमन व शांति के लिए हाथ उठाकर दुआ किया। आने वाला अब अगला जुमा होगा जुमातुल विदाई यानी अलविदा यानी रमजान का चौथा और अंतिम जुमा होगा। बरकतों और रहमतों का महीना माहे रमजान चल रहा है और रमजानुल मुबारक महीना का तीसरा जुमा पर मस्जिदों में नमाजियों से पूरा मस्जिद भरा हुआ नजर आया और वही रोजेदारों के बीच रोजे की खुशी और रमजान के तीसरे जुमा की नमाज अदा और शुक्रवार की शाम मगरिब की अजान होते ही रोजेदारों ने किया रोजा इफ्तार और इसी के साथ रमजान मुबारक महीना का 18वां रोजा भी आज मुकम्मल हो गया। अब रमजानुल मुबारक महीना का मात्र 12 रोजा ही रह गया है। रमजानुल मुबारक महीना के तीसरे जुमा की नमाज की यह तस्वीर दरभंगा के करमगंज मस्जिद और इस्माइलगंज मस्जिद की यह मिली जुलू तस्वीर नमाज की हम दिखा रहे हैं। रमजान के तीसरे जुमा पर हमने इस्माइलगंज मस्जिद के इमाम मोहम्मद सदर आलम से बात किया तो उन्होंने कहा कि रमजान का रोजा सभी मुसलमान पर अल्लाह ताला ने फर्ज किया है, इसलिए सभी मुसलमान को चाहिए कि रोजा रखे और नमाज भी पढ़े, क्योंकि रोजे के साथ साथ इबादत करना भी काफी जरूरी है। इसी माह में ज़कात और फितरा अदा करने की भी बात उन्होंने कही। अगर किसी को सोना या चांदी है तो उसका भी ज़कात निकालना पड़ेगा, या अगर मान लीजिए कि किसी के पास 1 लाख रुपया है तो उसमें से 2,500 रुपया निकालना पड़ेगा और यह रकम गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना होगा और जितना ज्यादा रुपया है उसी हिसाब से उन्हें रकम निकालना होगा। रमजान शरीफ का ये तीसरा जुमा और दूसरा आशरा, इससे हम और आप गुजर रहे हैं, बहुत ही बेशकीमत लम्हात हमसे गुजर रहा है। एक एक लम्हा इस महीने का बड़ा कीमती है। रोज़ा, तरावी, सदका खैरात, जिक्र तिलावत बहुत ही अनमोल है, क्योंकि इस महीने में नफल का अजर व सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 फ़राइज के बराबर कर दिए जाते हैं। बाकी इखलास की पादाश में खुदा जितना चाहे वो अपने बंदों को अता करेगा। इखलास के साथ हमने अगर कदर किया है तो अजर व सवाब मिलेगा। इस महीने में जो हमें मुआशरे को पैगाम देना है वो ये कि रोज़ा हम पर फ़र्ज है, इस महीने के रोज़े हम पर फ़र्ज है। अगर उजरे शरई नहीं है तो हमें रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कज़ा करते हैं तो या फिर कफ़ारा या फिर फिदिया इस महीने के रोज़े की जो है तलाफी कर ही नहीं सकता है, उसके अजर व सवाब की जो है बिल्कुल बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए हमें बहाना नहीं करना चाहिए, रोज़ा जो है रखने का हौसला और जज्बा रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से रोज़ा फ़र्ज है ना, मालदारों पर ज़कात ये भी जो है फ़र्ज है, कब फ़र्ज है ये समझना ज़रूरी है। मैं आमतौर पर ये कहा करता हूँ कि मुआशरे के हर साहिब निसाब मालिक निसाब लोग अगर ज़कात निकालने में कोताही न करें तो मुसलमानों के हालात अच्छे हो सकते हैं। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है। आपकी ईद को और भी खास बनाने के लिए अब आपके शहर दरभंगा में खुल गया है मेम साहब लेडीज वेयर, तो देर मत कीजिए, इस ईद पर मेम साहब लेडीज वेयर से कीजिए शानदार कपड़ों की खरीदारी। शोरूम का पता है सिटी सेंटर नियर ली शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। यहाँ मिलेंगे आपको एक से एक डिजाइनर वर्क फैंसी कपड़े जैसे कि प्लाजो, कुर्ते सेट, नायरा ड्रेस, गाउन, लहंगा चुनरी, नकाब एवं अन्य सभी प्रकार के लेडीज वेयर। बताते चले कि यहाँ पर हर पर्व पर आपको मिलते हैं नए नए डिजाइन के कपड़े, वो भी बेहद उचित मूल्यों में।